आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल का पाठ 3 जिसका नाम है घड़े की बात को पढ़ेंगे और उसके अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर पूरा पाठ करेंगे। आइए अब हम पाठ 3 को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है घड़े की बात। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम घड़े यानी कि मटके, जो मटका होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरे पाठ में देखेंगे कि मटके के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, यानी कि कोई गांव की कहानी है जिसमें एक बार क्या था, एक कुम्हार रहता था। कुम्हार किसे कहते हैं, जो मिट्टी की चीज़ें बनाता है। उन चीज़ों में क्या आएगा, बर्तन आ गए, मूर्तियाँ आ गई। बर्तन में भी देखो, मिट्टी के बर्तन में क्या आ गया, मटका आ गया जिसमें पानी पीते हैं। आजकल मिट्टी का तवा आ गया, मिट्टी की हांडी होती है जिसमें दाल या लस्सी वगैरह बिलोई जाती थी। मिट्टी के गिलास होते हैं जो चाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो हो गए। खिलौने आते हैं मिट्टी के सुंदर सुंदर आदि। तो आगे देखते हैं हम, उसका नाम क्या था, धनीराम। जिसका नाम था धनीराम, यानी कि जो कुम्हार रहता था उसका नाम क्या था, धनीराम। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। जैसे बच्चों आपका घर का नाम होता है ना, अलग से प्यार से लोग कह के बुलाते हैं, वैसे ही वो कुम्हार था जिसका नाम धनीराम था, उसे लोग धनिया कहते थे, प्यार से धनिया कहते थे। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। यानी कि वो मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाता था, अनेक तरह के बर्तन और खेलने के लिए खिलौने, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया, ठीक है। एक दिन उसने क्या है, बहुत बड़ा मटका, घड़ा यानी कि मटका बनाया। उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया। उस पर क्या किया, बाहर सुंदर सुंदर बेल बूटे बना दिए जो कि रंगों को लेकर और रंग से उसे सजा दिया। तो घड़ा क्या हो गया, मटका क्या हो गया, बाहर से बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। जैसे हम अपनी कोई चीज़ बनाते हैं, सुंदर होती है तो हम उसे देखकर खुश होते हैं ना कि हमने ये चीज़ बना दी, वैसे ही वो कुम्हार धनिया क्या था, अपने द्वारा बनाए हुए मटके को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि मैंने इतना सुंदर मटका बनाया है। उसे देखते देखते वह सो गया, यानी कि वो उसमें इतना खुश हो गया, मस्त हो गया कि उसको देखते देखते, सोचते सोचते वह नींद में चला गया। सपने में उसने देखा, जब हम नींद में चले जाते हैं तो हमें सपने आते हैं ना, इसी तरह कुम्हार को भी क्या हुआ, सपना आया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी। उसने क्या देखा सपने में, कि मटके के पास जो मिट्टी से ही बनाता था ना, तो मिट्टी उसकी गीली की हुई पड़ी हुई थी, वो हिल रही है और उससे कुछ कह रही है। मिट्टी हिलकर क्या कहती है, आइए ध्यान से सुनते हैं। ओ घड़े, हैरानीवाचक चिन्ह है ना, तो ध्यान से देखना है। मैंने तुझे बनाया, यानी कि मिट्टी कह रही है घड़े, घड़े को बुलाते हुए कह रही है कि मैंने तुझे बनाया। यानी कि अगर आप मटका देखो तो वो क्या है, चारों तरफ यानी कि ऊपर से लेकर नीचे, अंदर से लेकर बाहर तक मिट्टी से ही बना हुआ है ना। तो मिट्टी उससे बोल रही है कि मैंने तुझे बनाया है, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही आया है। ये जो मटके की आकृति आई है, शेप आया है, ये किसकी वजह से आया है, मिट्टी कह रही है मेरी वजह से आया है, मेरी वजह से तुम इतने सुंदर लग रहे हो, ठीक है। आगे लाइन में क्या लिखा है, मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई, यानी कि जब मिट्टी बार बार, एक बार नहीं, एक ही बात को बार बार कह रही थी, रिपीट कर रही थी, दोहरा रही थी, बोल रही थी, तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका और कहने लगा। तो मिट्टी के पास आप फोटो में देख रहे होंगे पानी भर के बाल्टी रखी हुई है। आप जानते होंगे मिट्टी को पानी से भिगोकर, जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसा गिल्ला करके उसको बनाते हैं, फिर उसको चाक पे रखकर
कुम्हार उसको घड़े का रूप या जो भी खिलौने बनाना है उसका रूप देता है। तो पानी क्या बोल रहा है, छलका और कहने लगा, क्या कहता है आइए देखते हैं। मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी। अब पानी कह रहा है कि मिट्टी रानी जो तुम अपने ऊपर ले रही हो ना कि मैंने मटके को सुंदर बनाया है, वो सारी मेहनत तुम्हारी नहीं है, मेरी है, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। अगर मिट्टी आप खोद के लाते हो कहीं से तो वो क्या होती है, सूखी सूखी सी होती है ना, धूल की एक ढेरी होती है। जब तक उसमें पानी ना मिला जाए तो वो गीला रूप नहीं लेती है, उससे कुछ भी खिलौने या कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिट्टी अपने मटके के सुंदर रूप का सारा क्रेडिट मिट्टी ले रही है, लेकिन पानी कह रहा है कि मेरी वजह से मटका सुंदर बना है, इसमें मेरा सारा सहयोग है। आगे क्या कह रहे हैं, मिट्टी और पानी तो अपनी अपनी बातें कह चुकी है, अब उन दोनों की बातें सुनकर चाक बोला, यानी कि मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला। अब चाक क्या होता है, जिस पे कुम्हार गीली मिट्टी को रखकर बर्तन या खिलौने या मूर्ति कोई भी आकार देकर चीज़ें बनाता है। अब वो चाक क्या कह रहा है, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी इस सच को लो जान। यानी कि जब हम मिट्टी में पानी मिलाते हैं तो वो कीचड़ बन जाता है, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं होती जब तक उसका उसकी कोई चीज़ ना बने। तो यही चीज़ चाक कह रहा है कि तुम तो सिर्फ कीचड़ और मिट्टी थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। अगर मैं नहीं होता, मेरे ऊपर रखकर कुम्हार नहीं बनाता, तो ये घड़ा या मटका नहीं बनना था जो कि इतना सुंदर है। यानी कि चाक कह रहा है कि ये सारा मेरी वजह से ही बना है। अब आगे है, मिट्टी पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली। यानी कि सबसे पहले मिट्टी ने कहा कि घड़ा मैंने बनाया है, फिर पानी ने कहा कि मेरी वजह से घड़ा बना है, उसके बाद चाक ने कहा कि मेरी वजह से घड़ा बना है। अब इन तीनों की बातें सुनकर आग को गुस्सा आ गया और आग भी बड़े उत्साह जोश मतलब उत्साह में आकर बोली, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा। तुम सब यानी कि मिट्टी पानी और चाक तो कच्ची बातें करते हैं, यानी कि नकली बातें करते हैं, कच्चा काम तुम्हारा। तुम्हारा काम तो कच्चा था, यानी कि तुम्हारी वजह से बने थे ना, तो मटका कच्चा होता है, वो जल्दी टूट जाता है, उसको हाथ लगाओगे या गिरेगा तो टूट जाएगा। तप कर मुझ में बना घड़ा, यह है असली काम हमारा। आग कह रही है कि मटका बनने के बाद मुझ में तपाया गया था, यानी कि गर्म किया गया था, तभी यह घड़ा मजबूत बना, यानी कि सबसे मुख्य काम तो मेरा है। आगे है, धनिया ने सबकी बात सुनी, यानी कि मिट्टी पानी चाक और आग की। वह बोला, सब चुप हो जाओ, यानी कि उसने कहा सभी चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया, यानी कि जो मटका खुद है उससे पूछ लेते हैं कि वो किसकी वजह से बना है। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना, वह बोला यानी कि मटके ने जब यह सवाल सुना तो उसने जवाब दिया, किसी एक का काम नहीं है, सबकी मेहनत सबका काम। तो मटके ने क्या जवाब दिया कि किसी एक, यदि मैं कहूँ कि मिट्टी ने बनाया है तो उसका भी काम नहीं है, पानी ने बनाया है अकेला वो भी नहीं बना सकता, आग ने बनाया है अकेला वो नहीं भी कर सकता, चाक ने बनाया है तो अकेला वो भी नहीं बना सकता, यानी कि सबकी मेहनत सबका काम, सबकी मेहनत से मैं बनकर तैयार हुआ हूँ, मटके ने ये जवाब दिया। मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम, जैसे मटका सुंदर बना है ना, सब चीज़ें मिलकर बनी हैं, वैसे ही हम अगर चाहें मिलजुल कर सब काम करें तो हम अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर काम कर सकते हैं। यह बात सुनकर धनिया की आँख खुल गई, धनिया की आँख खुल गई मतलब उसके सामने सच्चाई आ गई, उसे पता चल गया कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता,
ये सबकी मेहनत से होता है। अगर सब मिलकर काम करते हैं तभी काम अच्छा होता है। आँख खुल जाना, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, यानी कि सच्चाई सामने आ जाना। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्करा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास होता है कोशिश। अब कुम्हार ने देखा, धनिया ने देखा, जो घड़े पर उसने सुंदर से चित्र बनाए थे ना, वो चित्र भी थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप भी समझ गए होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो भी यही कह रहे हैं कि ये मटका जो है वो हमारी वजह से भी सुंदर लग रहा है, हमने भी इसको सुंदर लगने में सहयोग दिया है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई अकेला काम नहीं कर सकता, सब चीज़ें मिलकर ही उस काम को सुंदर बनाती है और अच्छा बनाती है। पाठ के बाद अभ्यास कार्य में है, नंबर एक है आइए शब्दों के अर्थ जाने, यानी कि जो पाठ में शब्द प्रयोग हुए हैं उनका हम मतलब जानते हैं। नंबर एक घड़ा, घड़ा यानी कि मटका जिसमें पानी वगैरह रखते हैं, या मटके में लस्सी, जो छोटा मटका होता है उसमें लस्सी वगैरह भी बिलोते हैं और लस्सी रखते हैं। नंबर दो छलका या छलकना, इस ये होता है किसी तरह की लिक्विड चीज़ होती है ना, तरल चीज़ जब बर्तन से बाहर निकल जाती है उसको कहते हैं छलकना। नंबर तीन कारण, इसका मतलब होता है वजह है। नंबर चार जोश, इसका मतलब होता है उत्साह। नंबर पाँच प्रश्न, इसका मतलब होता है सवाल। नंबर छः प्रयास यानी कि कोशिश। नंबर सात तपना यानी कि गर्म होना। आइए अब हम कठिन शब्दों के बाद प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर दो है कहानी से, इसका क पाठ, गांव के लोग धनीराम को किस नाम से बुलाते थे? उत्तर, गांव के लोग धनीराम को धनिया कहकर बुलाते थे। आगे है प्रश्न ख पाठ, घड़ा कैसे बनता है? उत्तर, मिट्टी और पानी को मिलाकर कुम्हार चाक की सहायता से घड़ा बनाता है, बाद में उसे आग पर पकाया जाता है। प्रश्न ग पाठ, पानी ने क्या कहा? उत्तर, पानी ने मिट्टी से कहा, तुम तो बस धूल की ढेरी थी, मैंने इस घड़े को बनाया है। अगला प्रश्न है घ, आग ने क्या कहा? उत्तर, जब हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा आग कह रही थी कच्चा काम तुम्हारा, तपकर मुझ में बना घड़ा यह असली काम हमारा। तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, आग ने कहा कि मुझ में तपकर घड़ा बना है, इसलिए मेरा काम सबसे बड़ा है। आगे है प्रश्न नंबर तीन, आपकी बात, यानी कि आपने इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर क है, यदि आपको घड़ा बनाना पड़े तो आप किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आपको किन किन चीज़ों का, यानी कि क्या क्या सामान इस्तेमाल करोगे? उत्तर, नंबर एक मिट्टी, नंबर दो पानी, क्योंकि बच्चों हमें चाक चलाना तो आता नहीं है, हम कुम्हार तो है नहीं कि हमने सीखा हो, तो हम सिर्फ मिट्टी और पानी से मटका बनाएंगे, और वो भी बड़ा मटका नहीं बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा, कोशिश कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ उत्तर क्या लिखना है, मिट्टी और पानी। आगे है ख पाठ, बर्तन के अलावा मिट्टी से आप और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? इसमें बच्चों आप जो जो बना सकते हो या बनती हैं उनके नाम लिखोगे। उत्तर, आपके आइडिये के लिए मैं कुछ चीज़ों के नाम बता रही हूँ जो मिट्टी से बनती है, आप इनमें से कुछ चीज़ों के नाम उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। नंबर एक खिलौने, हमने देखा है तरह तरह के खिलौने मिट्टी से बनते हैं। नंबर दो मूर्ति, किसी भी भगवान की मूर्ति है वो मिट्टी से बनती है। नंबर तीन मटका, जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं।
नंबर 4 सुराही, ये भी मटके की तरह होती है लेकिन ये लंबी होती है और इसका जो ऊपर मुंह होता है मटके की बजाय वो छोटा होता है, यानी कि इसकी गर्दन होती है। नंबर 5 है चाय पीने वाले कप। आपने गांव वगैरह या होटल ढाबे पे देखा होगा चाय पीने के लिए जो मिट्टी के कप या गिलास कह लो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 6 चूल्हा, जो पहले के टाइम में था या आजकल भी गाँव में देखते हो मिट्टी का चूल्हा होता है। नंबर 7 तंदूर, तंदूर पे रोटियां बनाई जाती है ना, वो मिट्टी का बना होता है। नंबर 8 तवा, तवा भी आजकल मिट्टी का आ रहा है। नंबर 9 हांडी या पतीला, जिसमें दाल बनाई जाती है या लस्सी वगैरह बिलोई जाती है, वो मिट्टी का बना होता है। इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इनमें से कुछ चीज़ों के नाम लिख सकते हो। आगे है प्रश्न नंबर 4, चुने और भरे। जैसे कि आप खाली स्थान देख पा रहे होंगे, इसको ब्रैकेट में दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक इसमें से भरना है। चलिए इसको एक एक करके करते हैं। पहला है क पाठ, डाकिया डैश बांटता है, चिट्ठी बांटता है या मिठाई, क्या आएगा इसमें, चिट्ठी। नंबर 2 ख पे है डैश, पेड़ पौधों की देखभाल करता है, माली या डॉक्टर, कौन करता है पौधों की देखभाल, माली, तो इसमें क्या आएगा, माली। ग पाठ है अध्यापक बच्चों को पाठ डैश है नचाता है या पढ़ाता है, तो क्या करते हैं अध्यापक, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या आएगा, अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है। घ पाठ है सुनार डैश बनाता है, सुनार क्या करता है, गहने या बर्तन, तो क्या बनाता है, गहने, क्या आएगा, गहने, सुनार गहने बनाता है। अगला पार्ट है ठटेरा डैश बनाता है, घड़े या बर्तन, जो बर्तन बनाता है ना उसको ठटेरा बोलते हैं। आपने ठ से ठटेरा पहले की किताब में देखा होगा ना, वो बर्तन बना रहा होता है ठोक के, तो ठटेरा क्या करता है, बर्तन बनाता है, और कुम्हार क्या करता है, घड़े बनाता है, तो इसमें क्या आएगा, ठटेरा बर्तन बनाता है। अगला है प्रश्न नंबर 5 है गिने बोले और लिखे। हमें ये मटके कुछ दिखाई दे रहे हैं, इनको एक एक करके गिनना है और फिर उसके बाद उसकी संख्या लिखनी है। आइए हम गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये कितने हैं हमारे पास, 17। अगला प्रश्न नंबर 6 है मिलान करें। एक तरफ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी फ़ोटो दी गई है, आइए हम लिखे हुए नामों को उनकी फ़ोटो से मिलान करते हैं। एक हमारे लिए किया हुआ है माली लिखा हुआ है, माली इधर से देखेंगे चौथी फ़ोटो में जो खेतों में काम कर रहा है वो माली है, उससे मैच किया हुआ है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सुनार, तो इधर हम देखते हैं माली के नीचे वाली जो फ़ोटो है उसमें सुनार कुछ काम कर रहा है और गहने रखे हुए हैं, हम उसके साथ मैच कर देंगे। फिर है कुम्हार, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है चाक के साथ, तो जो पहली फ़ोटो है उसमें देखो कुम्हार काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो हम कुम्हार को पहली फ़ोटो के साथ मिलान कर देंगे। अगली फ़ोटो है, नाम है डॉक्टर, दूसरी फ़ोटो को हम देखते हैं तो सफ़ेद कोट पाया हुआ डॉक्टर एक बच्चे का चेकअप कर रहा है, तो हम इसको दूसरी फ़ोटो के साथ मैच कर देंगे। उससे अगला लिखा हुआ है किसान, तो तीसरी फ़ोटो हम देखेंगे दो बैल है, एक पीछे इंसान है, हाथ में उसके डंडा सा है और हल जोत रहा है, तो क्या कर रहा है वो, किसान का काम, हम उससे मैच करते हैं। आइए मैं आपको ये मैच करके दिखाती हूँ, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम माली को चौथे नंबर की फ़ोटो से मैच कर दिया, उसके बाद सुनार है वो उससे नीचे की फ़ोटो से मैच कर दिया जिसमें सुनार का काम हो रहा है। अगले कुम्हार को पहली फ़ोटो के साथ मैच करना है, डॉक्टर को दूसरी फ़ोटो से और किसान को तीसरी फ़ोटो से। आगे है प्रश्न नंबर 7, कौन क्या कर रहा है, यानी कि कौन, उसका नाम बताना है, लड़का है आदमी है क्या है,
क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताना है। चित्र को देखकर वाक्य लिखे। इसमें पहली लाइन में देखो, एक झूला बना हुआ है, उस पर एक बच्चा, और बच्चा भी क्या है, एक लड़का है, झूला झूल रहा है। तो हम इसकी लाइन क्या बनाएंगे, बच्चा झूला झूल रहा है या फिर लड़का झूला झूल रहा है। दूसरी फोटो में देखते हैं, एक गाय बंधी हुई है, सफ़ेद रंग की है, एक व्यक्ति है, गाय का दूध निकाल रहा है। तो दूध निकालने को क्या कहते हैं, दूध दोहना। हम इसकी लाइन बनाएंगे, एक व्यक्ति गाय का दूध दोह रहा है। अगली तस्वीर में हम देख रहे हैं, दो लड़कियां पैरों से बॉल को खेल रही हैं। इस खेल को फुटबॉल कहते हैं। इसकी लाइन बनेगी, दो लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। उसके बाद अगली तस्वीर हम ध्यान से देखें तो दो बच्चे, यानी कि बच्चों में भी कौन है, लड़के पतंग को उड़ा रहे हैं। तो हम इसकी लाइन बना सकते हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। उससे अगली फोटो में देखें तो एक लड़की है जो कि साइकिल चला रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक लड़की साइकिल चला रही है। अगला है प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है, सुने, बोले और लिखे। जो मैं बोलूँगी उसे आपने ध्यान से सुनना है, खुद भी पीछे पीछे बोलना है और बोलते हुए लिखना है। ये जो लाइनें बनी हुई है ना, उसमें लिखना है। सबसे पहला है डंडा, फिर है घड़ा, फिर है ठंडा, फिर है बड़ा, और इसे आपने सुंदर सुंदर बुक में लिखना है। आगे है ख पाठ। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का चयन करते हुए सही घड़े में डालें। नीचे दो घड़े बने हुए हैं, एक है एक वचन का घड़ा, यानी कि जिसमें एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है, और दूसरा है बहुवचन का घड़ा, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया गया है। नीचे हमें 5 वाक्य दिए गए हैं, उसके नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द को देखेंगे। अगर वो शब्द एक वचन में एक चीज़ को बताता है तो एक वचन वाले घड़े में रखेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ को बताता है तो बहुवचन वाले घड़े में रखेंगे। अब एक एक करके देखते हैं हम। पहली लाइन है, कुम्हार सुंदर घड़े बनाता है। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या है, घड़े। घड़े क्या है, एक से ज़्यादा। तो इसे लिखेंगे हम बहुवचन वाले घड़े में, लिख देते हैं हम। दूसरी लाइन है, लड़की झूला झूल रही है। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या है, लड़की। लड़की क्या है, एक। तो ये किस में आएगा, एक वचन वाले शब्द में, तो हम लिख देते हैं इसमें लड़की। तीसरी लाइन है, पेड़ पर चिड़िया चहक रही है। यहाँ क्या है, चिड़िया को अंडरलाइन किया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, या पर चंद्र बिंदु है, और ये चंद्र बिंदु कब होता है, जब एक से ज़्यादा बनानी हो, बहुवचन हो, तो हम इसे किस में डालेंगे, बहुवचन वाले घड़े में। तो हम यहाँ लिख देते हैं चिड़िया। चौथी लाइन है, मुझे रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें अच्छी लगती हैं। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ शब्द कौन सा है, पुस्तकें। पुस्तकें क्या है, एक से ज़्यादा है, तो कहाँ आएगा, बहुवचन वाले घड़े में। आगे 5वीं लाइन है, घोड़ा हरी घास चाव से खाता है। अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या है, घोड़ा। तो घोड़ा क्या है, एक, एक है ना, तो हम इसे लिख देंगे एक वचन वाले घड़े में। इस तरह से हमारे पास एक वचन वाले घड़े में क्या हो जाएगा, लड़की घोड़ा, और बहुवचन वाले में घड़े चिड़िया पुस्तकें। इस तरह हमारा पाठ पूरा होता है।